यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स की टीम ने नूरपुर के नशा निवारण केंद्र का निरीक्षण किया। नूरपुर का नशा निवारण केंद्र सफेद हाथी साबित हो रहा है। नशा निवारण केंद्र में स्टाफ नहीं है। जब इसके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि स्टाफ की सैलरी ना मात्र होने से नशा निवारण केंद्र में मात्र 3 लोगों का स्टाफ ही है, जिसमें एक फार्मासिस्ट, एक काउंसलर व एक सफाई कर्मचारी कार्यरत है। यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग की टीम ने नूरपुर के नशा निवारण केंद्र का निरीक्षण किया। नूरपुर का नशा निवारण केंद्र सफेद हाथी साबित हो रहा है। नशा निवारण केंद्र में स्टाफ नहीं है। जब इसके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि स्टाफ की सैलरी न मात्र है। नशा निवारण केंद्र में मात्र 3 लोगों का स्टाफ है, जिसमें एक फार्मासिस्ट, एक काउंसलर व एक सफाई कर्मचारी कार्यरत है। यूथ ऑफ अगेंस्ट ड्रग के अध्यक्ष रवि मेहरा व अमित ने बताया कि बहुत ही निंदनीय बात है कि इतना बड़ा नशा निवारण केंद्र और वो भी सफेद हाथी साबित हो रहा है। नशे से पीड़ित लोग यहां अपना इलाज करवाना चाहते हैं, पर नशा निवारण केंद्र में आकर खाली हाथ वापिस जाना पड़ता है। इसका मुख्य कारण स्टाफ की कमी है। रवि मेहरा ने सरकार व प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि सरकार व प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे और स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। आज हमने नशा निवारण केंद्र में निरीक्षण किया, जिसमें हमने कई कमियां पाई। सबसे पहले जो हमारी कमी थी, जो हमने आज जहां पे कमी पाई वहां पे स्टाफ बिल्कुल नहीं है। और हमारा जहाँ मानना है कि अगर नूरपुर क्षेत्र है और ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कई नशे का गढ़ है, इंदौरा देख लो, नूरपुर देख लो, पठानकोट और सीमा बिल्कुल पंजाब एरिया के बिल्कुल टच में है, तो अगर नूरपुर क्षेत्र में नशा निवारण केंद्र में ऐसी जगहों पे जहाँ पे स्टाफ ना हो तो वो बड़ी निंदा की बात है। तो मैं प्रदेश सरकार से भी और प्रशासन से भी यही चाहता हूँ कि जहाँ पे स्टाफ की कमी हो जो जल्द से जल्द पूरी करे। और इस जो हमने पहले भी इन स्टाफ वालों से भी सुना है कि जहाँ पे काफ़ी पहले समय से अच्छा चल रहा था वहाँ पे डेली रोज मरीज आते हैं और पूछते हैं कि जहाँ पे हमने नशा क्या बोलते छुड़काना है उसके लिए हमें एडमिशन जैसे कुछ दिया जाए, तो वहाँ पे हमेशा लोगों को निराश होने पड़ता है। वो बोलते हैं कि जहाँ पे स्टाफ नहीं है तो हम कैसे करें। तो ये बड़ी निंदनीय बात है सरकार के खिलाफ भी और प्रदेश सरकार के प्रशासन के खिलाफ। और मैं चाहता हूँ प्रदेश सरकार और प्रशासन से भी जहाँ पे जो नशा निवारण केंद्र जहाँ पे पूरा स्टाफ पूरा हो और जहाँ पे अच्छी सुविधा और अच्छे जो लोग नशे की चपेट में आ चुके हैं वो नशा छुड़काने के लिए मुहिम जो जहाँ पे आते हैं तो उनके पूरी देखरेख और जहाँ पे ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे पूरी हो। धन्यवाद जी। मेरा नाम अमित और इस क्लब यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स में कोषाध्यक्ष का दायित्व है मेरा। तो आज हम यहाँ पर आए, हमने निरीक्षण किया, बहुत सी कमियाँ हमारे सामने आई। जैसे कि स्टाफ, जब हमें जितना भी स्टाफ है वो लोग बेचारे इतनी दूर से रोज किराया खर्च के यहाँ पे आते हैं, और जब वो इतनी बात कह रहे हैं कि हमारी जो दैनिक उनकी जो दिन की दिहाड़ी है, जिन्हें हम कह सकते हैं दिहाड़ी, वो एक नरेगा के मजदूर से भी कम है। कितनी निंदनीय बात है ये प्रशासन सरकार के लिए, प्रदेश सरकार के लिए। सरकार इसके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठा रही? जो पैसा उनको ऐसे अच्छी जगहों पर लगाना चाहिए, वो पैसा वो फालतू के कामों में फालतू की जगह लगा रहे हैं। ये हमने काफ़ी बार देखा है। अब मेरा उनसे यही अनुरोध है, मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। ऐसा नहीं कि ये बात नहीं कि यहीं दबी रह जाए, इसलिए हम आज यहाँ पर आए। हमने यहाँ की बहुत ही बेहाल स्थिति देखी और मैं अनुरोध करता हूँ सरकार से, प्रशासन से, कि आप जल्द से जल्द इस पर कदम उठाएँ और इनकी और समाज की सहायता करें।